साधारण पोस्ट में हमारे देश का आधार कार्ड आता है, आधार कार्ड की काफी वैल्यू है, एक अहम डॉक्यूमेंट है, वो साधारण पोस्ट में आता है। लेकिन अगर गलती से उसके ऊपर आपका पिन कोड, जो भी आपकी गलती नहीं सिस्टम की गलती से आपका पिन कोड अगर उस पर गलत छपा हुआ है तो आपको डिलीवरी नहीं होगा, शायद ये लोग हो सकता है उसको कचरे के डब्बे में फेंक दे। नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये जो वीडियो है ये मेरे द्वारा रिपोर्ट की गई कोई न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ हकीकत है जो मेरे साथ में बीती है वो मैं आपको दिखाने आया हूं। वीडियो का अंत तक जरूर देखना। मेरे हाथ में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये भाई पोस्ट आया, अभी मैंने खोला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस क्यों आपको दिखा रहा हूं, उसको अभी तक मैंने खोला नहीं है। मैं अभी इसको खोलू इसके पहले आपको दिखाना चाहूंगा, इसके ऊपर मेरा जो एड्रेस मेंशन है उस पर पिन कोड है, एड्रेस है, और ये लाइसेंस हासिल करने में मेरे को कितनी क्या दिक्कतें आई उसके बारे में बोलना चाहूंगा। मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हमको आरटीओ जाना पड़ता है, और मैं आरटीओ गया, ऑनलाइन प्रोसीजर किया, आरटीओ से मेरा कोई दिक्कत नहीं था, आरटीओ में मेरा काम समय पर हुआ भी। लेकिन आरटीओ इस ड्राइविंग लाइसेंस को बेचती है इंडियन पोस्ट से, भारतीय डाक से। तो भारतीय डाक ने मेरे साथ क्या क्या खेल किया मैं आपको बता रहा हूं। हमारे आसपास के कई लोग, आप सभी लोग में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो डाक विभाग के इस खेल से प्रभावित हुए रहेंगे या कभी हो सकते हैं। हर एक एड्रेस का एक पर्टिकुलर पिन कोड होता है। मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां का पिन कोड 401207 है, लेकिन हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी खामियां हैं, तकनीकी खामियां जो हमने नहीं पैदा किए, जो सिस्टम से है और जिसको हम बदल नहीं सकते। उसके हिसाब से मैंने जैसा अभी बताया कि हमारा पिन कोड 401207 है, लेकिन हमारे दस्तावेज के ऊपर 401202 मेंशन देता है। तो उसी दस्तावेज के आधार पर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराया, अपडेट कराया, तो इसमें मेरा वही एड्रेस और पिन कोड मेंशन था, इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी मेंशन है। अब ये जब आया, ये चूंकि स्पीड पोस्ट है तो स्पीड पोस्ट जब भी कभी आता है तो उसका एक ट्रैकिंग कोड जो है हमको मिलता है, तो ट्रैकिंग कोड मेरे मोबाइल में मैसेज आया तुरंत, और मुझे मालूम पड़ा विरार से बुक हुआ, विरार में आरटीओ ऑफिस है, वहां से बुक हुआ, फिर इनका सिस्टम है मुंबई गया, और मुंबई से तुरंत अगले दिन 2 तारीख को ये विरार से निकला, 3 तारीख को वसई में आ गया। मैं सामने से वसई 401202 पिन कोड जो है वो पोस्ट ऑफिस में सामने से गया, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा एक डॉक्यूमेंट है आपके यहां आया है, रिसीव दिखा रहा है, वो आप मुझे दे दो। तो उनका जवाब था हम आपको नहीं दे सकते। मैं बोला कारण हमारा रूल्स ऐसा। तो बोला फिर क्या होगा, बोला जो भी है हम आपका जो पिन कोड है वो करेक्शन करके आपको आपके एड्रेस पे भेजेंगे। तो ये इतने महानुभाव, इतने दक्ष काम में ये लोग, मेरा पिन कोड उन्होंने मेंशन किया, इसके ऊपर लिखा 401207 और ऑनलाइन सिस्टम में डाला 401107। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं 1107 डालने की वजह से वो एक बार रिजेक्ट हो चुका था, इन्होंने रिजेक्ट करके ही आगे भेजा कि ये एड्रेस नहीं मिला, जबकि मैं खुद खड़ा हूं क्लेम करने की मेरी वस्तु है। उसके बाद वो आइटम चला गया, पार्सल चला गया फिर से मुंबई, मुंबई से उस पर्टिकुलर पिन कोड पर आया, उस पर्टिकुलर पिन कोड पे भी कोई है नहीं। लेकिन जब मैंने ये, मैं जब ट्रैकिंग कर रहा था अपने मोबाइल में, मैंने ट्रैकिंग नंबर के हिसाब से ये चीज देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि अभी मेरा ये जो पार्सल है, मेरा ये जो आइटम है, ये यहां से यहां घूम रहा है, और शायद 2 अटेम्प्ट गलत होने के बाद में ये रिटर्न हो जाएगा। तब मैंने सामने से फिर अप्रोच किया पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को, उनको बोला कि आप मुझे एक काम कीजिए, नियम बताइए कागज पे कहां पे ऐसा नियम है कि मेरी वस्तु मैं नहीं ले सकता हूं।
तो उन्होंने नियम नहीं बताया, सिर्फ मना करते रहे कि नहीं हम ऐसा नहीं दे सकते, जिस पोस्ट ऑफिस की हद में वो आता है वहीं से आपको मिलेगा। मेरे साथ में गलत बर्ताव भी किया, मैंने सीनियर अधिकारी के नाम मांगे, नाम नंबर तब भी नहीं मिला। हालांकि मैं एक पत्रकार हूं, जागरूक नागरिक हूं, मुझे मालूम है कि किसकी कहां कैसे कंप्लेन की जा सकती है और कैसे सर्विस लेनी चाहिए। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी तरफ से सब कुछ किया और इनके हेल्थ डिपार्टमेंट में कंप्लेन की। तब जाकर याद रखिए, स्पीड पोस्ट है जिसका ट्रैकिंग आईडी होता है, लेकिन साधारण पोस्ट का कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं होता है। बाद ये स्पीड पोस्ट आज मुझे मिला और उसमें भी आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि अभी भी मेंशन 401107 है पिन कोड, जबकि इसके ऊपर दो बार 401202 लिखा हुआ है, 401207 हाथ से लिखा हुआ है। यानी जब 401107 का ये 401207 में दे सकते हैं, तो 401202 में मैंने पहले ही जाके मांगा था 401207 का क्यों नहीं दिया गया, और जबकि पिन कोड तो उनके उधर का ही था और उनके वहीं पे मैंने मांगा। इसके पीछे खेल है मुझे लगता है। साधारण तौर पर कोई पोस्टमैन हमारे यहां आता है तो हम उसको शगुन के तौर पे या चाय पानी के नाम पे कुछ देते हैं। मुझे लगता है ये वही खेल है, ये इनकी सोची समझी साजिश होती है, पोस्टल विभाग की ये सोची समझी साजिश होती है कि आप घर पे जाओ और फिर दिन भर में ऐसे कितने पार्सल आप डिलीवर करते हो उसकी चाय पानी के नाम पे आप उगाही करो, जो पैसा आपको मिलेगा वो सब मिलके बांटेंगे। और ये इसीलिए मेरा क्षेत्र तेरा क्षेत्र हो रहा है। ये मैंने इनको ऐसा नहीं कहा था कि आप यहां से सीधा पापड़ी भेजो, मैंने इनको बोला था मेरी चीजें मैं क्लेम करने आया हूं, मुझे दे दो। इन्होंने नहीं दिया। मैं ये वीडियो नहीं बनाता शायद, लेकिन ये वीडियो इसलिए बनाया कि ऐसे और भी लोग, जब मैं पोस्ट ऑफिस में गया और इस तरह की बात कर रहा था तो मेरे सामने ऐसे और भी लोग आए कि इनके इसी तरह के कुछ सिचुएशन और कुछ हालात फंसे हुए, लेकिन उनको पोस्टल डिपार्टमेंट से कोई सहायता नहीं मिल रही है। मैंने पहले कहा था कि ये स्पीड पोस्ट है, साधारण पोस्ट में हमारे देश का आधार कार्ड आता है, आधार कार्ड की काफी वैल्यू है, एक अहम डॉक्यूमेंट है, वो साधारण पोस्ट में आता है, लेकिन अगर गलती से उसके ऊपर आपका पिन कोड, जो भी आपकी गलती नहीं सिस्टम की गलती से आपका पिन कोड अगर उस पर गलत छपा हुआ है तो आपको डिलीवरी नहीं होगा, शायद ये लोग हो सकता है उसको कचरे के डब्बे में फेंक दे, क्योंकि इनको तो पड़ी नहीं है। अब रही बात पिन कोड की, मुझे बार बार ये बोला गया आप अपना पिन कोड चेंज कीजिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। हमारे देश का सिस्टम कुछ खामियां सिस्टम में ऐसी है जिनको सुधार पाना हमारे हाथ में नहीं है। जैसे मैं पालघर जिले में रहता हूं, लेकिन आज भी ऑनलाइन सिस्टम में कई ऐसे सिस्टम है, कई ऐसे बैंकिंग सर्वर है, कई ऐसे सर्वर है जहां पर आज भी पालघर जिला ही नहीं दिखता है, ठाणे ही दिखता है। वसई विरार लिखेंगे तो ठाणे जिला ही आएगा और वहां मजबूरी में ठाणे ही लिखना पड़ता है। दूसरी बात, ये जो हमारा जो पिन कोड का इशू है, वो पिन कोड का इशू ये है कि पुराने लोग जो लैंडमार्क लिखा जाता था, लैंडमार्क के हिसाब से नजदीकी लैंडमार्क लिख लेते थे कि लैंडमार्क है, तो उस लैंडमार्क का जो पिन कोड लगता था वो लगा दिया जाता था। तो ऐसे कई प्रभावित लोग हैं जो आज भी बाबोला लैंडमार्क की वजह से 401202 पिन कोड में जी रहे हैं, जबकि उनका 401207 है जो पापड़ी पोस्ट ऑफिस में अंतर्गत आता है। अब अगर उनके डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड होम एग्रीमेंट में ही 401202 है तो कोई क्या करेगा, बिल्डिंग तो उसने रजिस्टर नहीं करवाई। ये सभी तर्क मैंने पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के सामने भी रखे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बाद में जब शिकायत हुई और उनकी ग्रीवेंस ऑफिसर को कंप्लेन की गई, तब उन्होंने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर ये जो पार्सल आप देख रहे हो, ये जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आप देख रहे हो, इसको उन्होंने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर जहां गया था वहां से मंगवाया और आज मुझे मिला। यानी मैंने अपने लेवल पर जो कुछ
फाइट करना था वो किया तो मेरी चीज आज मुझे मिली, अन्यथा ये रिटर्न होता और मेरे हाथ कुछ लगता नहीं। तो ऐसे कई लोग हैं जो आप लोगों में से कई लोग ऐसे प्रभावित हैं जिनके साथ ये हुआ होगा, ये आगे हो सकता है। इसके लिए जागरूक बनिए, आवाज उठाइए कि इस तरह के जो सिस्टम फॉल्ट है उसके लिए पब्लिक को हैरान मत कीजिए। सिस्टम फॉल्ट आपका है, पब्लिक का नहीं है। पब्लिक कोई नहीं चाहेगा कि वो जानबूझकर ऐसी गलती करे जिसको उसको तकलीफ हो। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अभी मैं आपके सामने इसको खोलता हूं। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।